वेलकम टू माई YouTube चैनल पाकिस्तान विद फरहान अली। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का दूसरा जुम्मा आ गया है और हम मस्जिद के अंदर तकरीबन 2 महीने बाद पहला जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मस्जिदों में जो है वो लॉकडाउन की वजह से लॉक कर दी थी, दरवाज़े वगैरह लॉक कर दिए थे, जुम्मा अलाउ नहीं था। तो आज तकरीबन 2 महीने बाद जुम्मा अलाउ किया है और हम जा रहे हैं मेमन मस्जिद। ये हमारे साथ रब्बान भाई हैं। रब्बान भाई जी, कैसा फील कर रहे हैं 2 महीने बाद तकरीबन मेमन मस्जिद में जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं आप? बस भाई अजीब सा ही लग रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये और मुसलमानी कैद है, मस्जिद में नहीं जा सक रहे। बिल्कुल अजीब सी फीलिंग है, तो बयान नहीं कर सकते। आए आपको रोड की कंडीशंस दिखाएं कि रोड की क्या कंडीशंस हैं, और यहाँ पे मीडिया भी खड़ा हुआ है कवर करने के लिए कि जुम्मा हो रहा है आज। सलाम है इन मीडिया वालों को कि जुम्मा दिखाने के लिए जो है ये खुद अपना जुम्मा छोड़ के लोगों को दिखा रहे हैं ताकि जुम्मा फिर बंद हो जाए। आए दिखाते हैं आपको। ये सामने मेमन मस्जिद है और वो सामने मीडिया की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मेन गेट खुला हुआ, खाली एक यहाँ वाले गेट बंद किए। मैं चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखें, लॉकडाउन की वजह से सब ये पीछे कंप्लीट बंद किया हुआ है। दुकानें सारी बंद हैं, सारी मार्केटें बंद हैं। एक मस्जिद का ये गेट है जो बंद किया हुआ है। ये एंट्रेंस बंद है। आगे वाली एंट्रेंस से हम जाएंगे जो खारदर मीठादर थाने के साथ लगती है। और ये मीडिया की गाड़ियाँ वाड़ियाँ भरपूर खड़ी हुई हैं, आपको दिखाते हैं भी करीब से। ये मीडिया की गाड़ी, GTV, CNN, डॉन न्यूज़, सारे मीडिया कैमरे कवर कर रहे हैं यहाँ पे, गोल्ड TV वाले। और ये हमारे इरफान भाई का GTV वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। ये देखें, मुसलमान के लिए मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना इतना अहम है कि कहते हैं ना कि भूखे को खाना खिला देना, तो यार वही चीज़ है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे भी जाके कि ये मामला हल हो जाए और ये मस्जिदों में नमाजें काम हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। ये सारा मीडिया खड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी एक छोटा सा इंटरव्यू दिया हमने GTV पे, वो भी दिखाते हैं आपको। ये मस्जिद का गेट है, ये है मेमन मस्जिद। हमारा जुम्मा अदा हो गया है, कामयाबी के साथ हमने जुम्मा अदा कर दिया है पीछे मेमन मस्जिद में। देखें, यहाँ पे भरपूर मीडिया आया हुआ है और इंटरव्यू ले रहा है नमाजियों से कि आपको 2 महीने बाद जुम्मा पढ़ के कैसा फील हुआ। हमने भी एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है अभी वहाँ पे, तो बहुत अच्छा फील हुआ है। अदील भाई, आपके कुछ रिमार्क्स आपने चैनल को तो बता दिया, हमारे चैनल को भी बता दीजिए। बस फरहान भाई बात दरअसल ये है कि गवर्नमेंट की जो SOPs बनी है उस पर तो फॉलो सबने करना है। और जैसे कि इमाम साहब ने भी मस्जिद के, जो इमाम साहब हैं मेमन मस्जिद के, इन्होंने भी कराई है, तो उस पर SOPs पे अमल करें और जिस तरह बोला जा रहा है इस तरह अमल करें और अपनी नमाज़ें अदा करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस नमाज़ की बरकत से हम सब पे अपना रहम करम। अंकल, आपको कैसा फील हुआ 2 महीने बाद नमाज पढ़ के? भाई बचपन से जानते हैं। चले भाई, अंकल जो है वो बता नहीं रहे उनको कैसा फील हुआ, हमें लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ नमाज पढ़ के। चले जी, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।